सो लंबा वीडियो है, इस वाले वीडियो में मैं इस वाले क्वेश्चन को आंसर करना चाहता हूं कि सर इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं neetprep.com पे, कैसे यूज करें, कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। तो एक मिनट क्विकली देख लेते हैं, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है जिसमें लाइव क्लासेस का ऑप्शन अवेलेबल है, रिकॉर्डेड का अवेलेबल है और शॉर्ट ड्यूरेशन रिविजन लेक्चर्स। यदि आपको कोई चैप्टर आता है, पहले पढ़ा हुआ है, क्विकली रिवाइज करना चाहते हैं थ्योरी, शॉर्ट ड्यूरेशन रिविजन लेक्चर, तीन टाइप के लेक्चर्स हैं, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज है जो आप जब चैप्टर सेलेक्ट करते हैं उसके बाद क्वेश्चन सेट आ जाता है, ये वो है। मास्टर क्लास इन बायोलॉजी बाय डॉक्टर एनके शर्मा है, ये स्पेसिफिक बायो स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक है, ओरिजिनल शर्मा सर का क्रिएट किया हुआ और साथ में ऑडियो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। टारगेट सेटिंग का फीचर अवेलेबल है, टारगेट सेटिंग के अलावा फिर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, डीपीपी जनरेटर है, फ्लैश कार्ड्स है, एनसीईआरटी ऑडियो बुक्स है, फिजिक्स है, तो बहुत सारी चीजें। अब तैयारी को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, इस वाले सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं, ठीक है। ऐसे सोचिए, चाहिए तो पेन पेपर नोटबुक निकाल लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह, आप पेरेंट्स हैं तो भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एक एक करके चलते हैं, है ना, तो एक एक करके चल रहे हैं। तो पहली चीज ये है, आपको कुछ बेसिक चीजें चाहिए तो नंबर वन पॉइंट है ना, कोई ऑनलाइन कोचिंग या क्लासरूम कोचिंग जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, टेस्टिंग वगैरह मिलेगी, ठीक है। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, फोन लैपटॉप पीसी चाहिए, हेडफोन चाहिए और कोई स्टडी रूम सिक्लूडेड एरिया या हेडफोन वगैरह लगा के आप साइड में बैठ गए, घर वालों से यदि आप स्टूडेंट एग्रीमेंट ले लिया कि देखो मैं अगले एक साल या दो साल पढ़ूंगा, प्लीज मुझे जब मैं यहां पे बैठा हूं डिस्टर्ब मत करना, हल्ला मत करना, टीवी में चलाना, जो भी है, ठीक है। ये प्रॉब्लम होती है, आप में से काफी सारे लोगों के घर ऐसे हो सकता है ना हो जहां पे सब जगह पे स्टडी रूम हो, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक घर में एग्रीमेंट चाहिए, भाई बच्चा घर में तैयारी कर रहा है उसे डिस्टर्ब नहीं करना। दूसरी चीज, तीन बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका सपना होना चाहिए, ड्रीम, आपका एक डेली रूटीन पे कमिटमेंट होना चाहिए। मैं 10 से 12 घंटे पढ़ूंगा, 7 घंटे सोऊंगा, 2 से 3 घंटे टाइम पास करूंगा डिस्ट्रैक्शन, और ये उस टाइप के हो सकते हैं कि आप वॉक करने गए, आपकी कोई हॉबी है, आपको डांस करने का शौक है, आपको नॉवल पढ़ने का, वॉट एवर इट इज, पर आपको यदि 10 से 12 घंटे प्रोडक्टिवली पढ़ना है हर रोज, तो आपको 2 से 3 घंटे का नॉन स्टडी टाइम भी चाहिए। 10 से 12 घंटे में थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लस एनी अदर स्टडीज, जो भी स्टडीज है ना, ये सब इंक्लूडेड है। मैं ये नहीं कह रहा 10 से 12 घंटे सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है या वीडियो देखना है, सारी पढ़ाई नीट से रिलेटेड जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं 10 से 12 घंटे डेली का चाहिए। यदि आप 11th में है या 12th में स्कूल जाते हैं तो आप 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे, स्कूल के बाद आपको जितना टाइम मिल रहा है करीब 5 से 6 करीब 7 घंटे मिल जाएंगे, उसकी बात हो रही है, ठीक है। और तीसरी चीज परसिवरेंस, ये बड़ा वर्ड है, परसिवरेंस का मतलब है, शुद्ध हिंदी में लिखूं, लगे रहना, यह जर्नी आसान नहीं होने वाली। और जब भी आप कुछ सीखने की कोशिश करें, जब भी अपने आप को किसी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, आपने बचपन में साइकिल चलाना सीखा, आपने अभी हो सकता है गिटार चलाना सीखा, किसी ने डांस करना सीखा, किसी ने कुछ और करना सीखा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नीट की भी उसी तरीके से होने वाली है, लगे रहना है। पहले दिन नहीं सीखेंगे, दूसरे दिन नहीं सीखेंगे, तीसरे दिन नहीं सीखेंगे, हो सकता है एक महीने बाद ना सीखे, पर धीमे 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 इंप्रूवमेंट हो रहा होगा, ठीक है। आपको टाइम देना पड़ेगा, गिरेंगे, घुटने छिलेंगे, याद करिए जब आपने साइकिल चलाना सीखा था, पर धीमे धीमे चीज आ जाएगी उस समय पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, आपको लगे रहना है, इसके बिना नहीं होगा। सपना होना चाहिए, सपने के लिए आप मेहनत करने के लिए तैयार है, डेली डेली रूटीन होना चाहिए और लगे रहने की काबिलियत, लगे रहने का स्किल होना चाहिए। आप यदि आराम से हार मान जाते हैं, ये नीट की तैयारी आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात हुई पढ़ने की मेथडोलॉजी, ठीक है, इसको बोल देता हूं मेथडोलॉजी, ठीक है। और मैंने आपको जो सारी चीजें पहले हम दिखाई थी, हमारे पास लेक्चर्स है, क्वेश्चन बैंक है, टेस्ट सीरीज है, फ्लैश कार्ड है, डीपीपी जनरेटर है, टारगेट सेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं इस नजरिए से बता दूंगा। तो आपको पहली चीज समझ आ गई, दूसरी आ गई, तीसरे पे आ गया, मेथड क्या है। पहले थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी का मतलब वीडियो देखे, वीडियो देखते हुए नोट्स लिए, या आप क्लासरूम कोचिंग कर रहे हैं तो टीचर ने आपको क्लास में पढ़ाया, पढ़ाते समय आपने नोट्स ले लिए, ठीक है। उसके बाद आपने एनसीईआरटी रीडिंग किया, ये आपकी थ्योरी हो गई। आप किसी भी गाइड से
जो भी एमसीक्यू उसके अलावा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कौन सी किताब, नहीं भाई किताब से नहीं होगा, थ्योरी तो आपको इसी फॉर्मेट में करनी होगी, या तो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखते हुए नोट्स ले रहे हैं, या फिर क्लासरूम कोचिंग जा रहे हैं, किताब नहीं समझा पाती, इसीलिए वीडियो लेक्चर और ऑनलाइन कोर्सेज और क्लासरूम कोचिंग इस दुनिया में आए हैं। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस, 100 से 150 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में और 150 से 200 क्वेश्चन बायो में, इसके लिए हमने आपको रेकमेंडेड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए। मैं वापस उस वाली स्लाइड पे जाके आपको सारी चीजें बताऊंगा, पर इसके लिए रेकमेंडेड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए। मैं आपको यही वाली चीज नीट प्रेप की वेबसाइट पे भी जाके दिखा दूंगा कि कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, और उसके बाद मॉक टेस्ट देना है। अब मॉक टेस्ट दो टाइप के होंगे, टेस्ट सीरीज का मॉक टेस्ट होगा, पर यदि आप जैसे टारगेट बैच में, टेस्ट सीरीज तो 5 नवंबर को चालू होगी, और 5 नवंबर और 23 नवंबर को एक्चुअली फुल सिलेबस टेस्ट है, असली टेस्ट सीरीज शायद 3 दिसंबर से चालू होगी, तो उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले टारगेट टेस्ट लिखेंगे। ठीक है, अब ये टारगेट टेस्ट का लॉजिक क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, पर मेथोडोलॉजी क्या हुई, थ्योरी पढ़ी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, और एवरी 2 वीक्स चेक कर लिया कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। नहीं फर्क पड़ता, आपको कुछ नई चीजें नहीं समझ में आई है, पर आपको पता होना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स कॉल करके एक चीज बोलते हैं, सर थ्योरी पढ़ रहा हूं, वीडियो देख रहा हूं, नोट्स ले रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि ये वाली चीज नहीं कर रहे। आप ये वाली चीज नहीं करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ये वाली चीज आप नहीं करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मॉक टेस्ट लिखना रेगुलरली जरूरी है, ठीक है, मॉक टेस्ट लिखना रेगुलरली जरूरी है। तो ये हमारा मेथड हो गया, पढ़े, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, हर 2 हफ्ते में मॉक टेस्ट लिख लिया, जो जो चीजें 2 हफ्ते में पढ़ी थी। तो एक बार वापस देख लीजिए इस वाली स्लाइड को, कुछ चीजें आपको चाहिए, जैसे जो बैटिंग करने जाता है, हेलमेट चाहिए, पैड चाहिए, गार्ड चाहिए, है ना, बैट चाहिए, यदि चश्मा लगाता है चश्मा चाहिए, या जो भी कॉन्टैक्ट लेंसेज वगैरह, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद कोई क्रिकेट खेल रहा है उसके लिए बाय द वे ट्रू है, सपना होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए मेहनत करने का, और लगे रहने की चीज होनी चाहिए, और फिर मेथड है। ठीक है, मेथड क्या है, क्रिकेट का कुछ और मेथड हो सकता है, नीट की तैयारी में या कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी में ये वाला मेथड है, थ्योरी करी, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और फिर आपने टेस्ट लिखा। अब आगे चलते हैं, देखिए मैंने आपको मेथड बता दिया है ना, वापस देख लीजिए, ये जो मैंने मेथड बताया, अब इसके राउंड तैयारी ऑर्गेनाइज करनी है। ये सारी तैयारी इस तरह से ऑर्गेनाइज होगी कि आपको 2 हफ्ते का माइक्रो टारगेट सेट करना है। तो आप इस समय पे आज यहां पे खड़े हुए हैं, और ये नीट का एग्जाम है, जिस दिन आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लायक परफॉर्मेंस दोगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लायक परफॉर्मेंस दोगे, करेक्ट। अब क्या है, मैंने आपसे कहा था सपना होना जरूरी है, आज ये वाला सपना होना जरूरी है, पर आप इस टाइम तक उस सपने के लिए क्या करेंगे, डेली क्या करेंगे, वो आपका माइक्रो टारगेट डिसाइड करेगा। एक माइक्रो टारगेट सेट करेंगे 2 वीक्स का, उसके बाद नेक्स्ट सेट करेंगे इस तरह से टुकड़े टुकड़े करके, 96 चैप्टर्स का सिलेबस है, ठीक है, 96 चैप्टर्स का सिलेबस है। यदि आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं, पूरे 96 चैप्टर पढ़ने, लेट से आपने 2022 का अभी एग्जाम दिया था, तो पूरे 96 चैप्टर पढ़ने के लिए आपके पास करीब 9 मंथ्स है। 9 मंथ्स में 4 महीने फाइनल रिवीजन के लिए छोड़ देंगे, मैं आपको यह भी बताऊंगा रिवीजन और सिलेबस कंप्लीशन कैसे करना है। तो आपने 9 महीने की जगह 8 महीने माना, 8 महीने माना, तो करीब आपके पास 35 वीक्स है, 35 हफ्ते हैं आपको, 35 हफ्ते में 96 चैप्टर करना है, यानी एवरी वीक अप्रोक्सीमेटली 3 चैप्टर्स, है ना। उसके बाद शुरू में आप थोड़ा स्लो चले, बाद में तेज चले, पर 2 वीक का माइक्रो टारगेट 4 to 6 चैप्टर्स का हो गया आपका, है ना। हो सकता है शुरू में 4 करें, बाद में 6 या 7 पे पहुंचे, शुरू में थोड़े बड़े करें तो चैप्टर की ड्यूरेशन, पर मोटा मोटा इस तरह से टारगेट हो गया। टारगेट में होगा क्या, आप टारगेट सेट करेंगे, सेट करने का मतलब क्या है, कितने चैप्टर करेंगे, 4 करेंगे 5 करेंगे 6 करेंगे, वॉट एवर इट इज, एक डेट सेट करेंगे, ठीक है, कि मैं ये टारगेट 2 हफ्ते में खत्म कर लूंगा, अभी मैं टारगेट सेट कर रहा हूँ, और आप एक टारगेट स्कोर सेट करेंगे। टारगेट के एंड पे हमारे जो टारगेट सेटिंग फंक्शनैलिटी है उसके अंदर आपको
ये भी वो पूछता है कि भाई आपको जो टेस्ट मिलेगा, जो चैप्टर आपने पढ़े दो हफ्ते में, उससे रिलेटेड जो टेस्ट मिलेगा उसमें आप कितना टारगेट कर रहे हैं। सारा आइडिया टारगेट करने का है, बिना एक टारगेट एक लक्ष्य लिए जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता। अभी से आप सीखना चालू कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ना। तो टारगेट आपने सेट किया, लेट से चार चैप्टर आपने सेलेक्ट किए, तो आपने पहले उसकी थ्योरी की, हो सकता है दो चैप्टर आपने एक साथ स्टार्ट किए, थ्योरी के बाद उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, एक हफ्ते में दो चैप्टर हो गए, फिर अगले हफ्ते दो चैप्टर और स्टार्ट कर लिया, है ना। लेट से ऐसा किया, एक ट्वेल्थ का और एक इलेवेंथ का चैप्टर लिया, जैसे भी किया, और उसके बाद दो हफ्ते बाद आपको टारगेट टेस्ट मिल जाएगा, सही है। तो आपका सिलेबस कंप्लीशन का ये तरीका है, टारगेट्स के थ्रू आप सिलेबस कंप्लीशन करेंगे, टारगेट्स के थ्रू आप सिलेबस कंप्लीशन करेंगे। क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, मेरा सपना है एम्स दिल्ली जाने का, मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं है, मेरी रगों में एम्स दिल्ली बह रहा है, पर माइक्रो टारगेट सेट नहीं किया। अब टाइम निकले जा रहा है, धीमे धीमे एम्स दिल्ली से किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाए, फिर और नीचे आ गए, और नीचे आ गए, और नीचे आ गए, ऐसे नहीं करना। माइक्रो टारगेट, बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में ब्रेक करके अचीव करते हुए चलना है। होपफुली आप लोग को ये वाली चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट चीज पे चलता हूं, उसका मतलब यह है कि ये तो सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है, अब आपका सवाल है सर आगे बढ़े जा रहा हूं और पीछे की चीज भूलता जाऊंगा, उसका क्या करूं। सही बात है, उसका जवाब देख लेते हैं, है ना। तो उसका जवाब देख लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, आपने पहला वाला जो माइक्रो टारगेट सेट किया था वो इस तरह से था, ठीक है। ये वाला आपका पहला माइक्रो टारगेट था जो मैंने अभी आपको समझाया। अब अगले हफ्ते का माइक्रो टारगेट जो है, उस हफ्ते के नए चार चैप्टर आपने ले लिए, ठीक है, और आपने क्या किया, पहले वाले टारगेट में से तीन चैप्टर रिवाइज करने के लिए डाल लिया, हल्का फुल्का थ्योरी देख लिया, हल्के फुल्के उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब सोचिए यहां पे आप एक तरीके से, आप इसमें से जो चैप्टर्स है ना उनका ये वाला पोर्शन जो है ये रिविजन है ना पीछे वाले चैप्टर्स का। क्योंकि क्या होगा, जब आप ऐसे तीन चैप्टर लेते हैं तो अगला जो आपको दूसरे माइक्रो टारगेट का जो टेस्ट मिलेगा उसमें चार चैप्टर जो आपने फ्रेश पढ़े, फ्रेश ये वाले है ना, और तीन चैप्टर आपको रिवीजन वाले मिलेंगे, ठीक है। ये तीन चैप्टर रिवीजन वाले आपको मिल जाएंगे। तो अब इससे क्या होगा, क्योंकि रिवीजन वाले चैप्टर मिल रहे हैं तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार कर लेना चाहिए, नहीं तो है ना इस चैप्टर इस वाले टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो अब क्या है, ये आपका सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है और इसी के साथ आपका रिवीजन भी चल रहा है। टारगेट सेटिंग फीचर आपको ये वाली चीज इनेबल कर रहा है। होपफुली आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम सिलेबस कंप्लीशन और टारगेट और रिवीजन साथ में कैसे कर सकते हैं। इस वजह से मैं आपको रेकमेंड करूंगा, हबड़ दबड़ में जल्दबाजी करते हुए अपना सिलेबस खत्म करने की कोशिश मत करिए। यदि आपका सवाल है सिलेबस कब तक खत्म होना चाहिए, इट इज ओके इफ यू फिनिश योर सिलेबस बाय 31 मार्च ऑल्सो, यदि आप साथ में टारगेट के थ्रू रिविजन भी करते जा रहे हैं। देखिए सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है और ये रिविजन तो यहां तक चलता रहेगा। एक बार मैं सिलेबस कंप्लीशन जब मैंने वहां तक दिखाया ही तो इसको दिखा देता हूँ। हाँ, तो मैंने आपको जैसा बताया ये आपका सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है, ये आपका 31 मार्च है, तो सिलेबस कंप्लीशन आपका 31 मार्च तक चला और यहाँ से आपका रिवीजन चालू हो गया दूसरे हफ्ते से ही और यहाँ तक आपका रिवीजन चला, है ना। बनिस्बत इसके कि मैं बेमतलब की कोशिश कर रहा हूं दिसंबर तक सिलेबस खत्म हो जाए, जनवरी तक हो जाए, टॉपर से बोला था 3 महीने 4 महीने, कुछ नहीं, ये आपको बता दिया। लॉजिकली सोचिए, यू कैन इजीली डू इट दिस वे। ये आपका सिलेबस कंप्लीशन हो गया, ये आपका सिलेबस कंप्लीशन और ये आपका रिविजन हो गया, है ना। होपफुली आप लोग को ये वाली चीज समझ आ गई होगी। अब ये जो रिविजन कर रहे हैं यहां पर आप फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हैं बायो की चीज को रिवाइज करने के लिए, जो आपको वी के लग रहे हैं उसका डीपीपी जनरेट कर सकते हैं, है ना। आपको स्पेसिफिक चीज एनसीईआरटी के अंदर हमने है ना ऑडियो बुक्स प्रोवाइड किए फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की, हमने बायो की क्यों नहीं प्रोवाइड की, जनरली आप बायो पढ़ लेते हैं तो उसमें इतनी जरूरत नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री को इग्नोर करते हैं। तो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी ई बुक भी देख सकते हैं, स्पेसिफिक
पैराग्राफ की जहां पे आपको लग रहा है कि यार एनसीईआरटी का ये फिजिक्स केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है ना। तो अब मैं वापस आ जाता हूं कि कौन कौन सी चीज कहां पे फिक्स होती है। ओके चलिए, मैंने आपसे कहा था लंबा वीडियो है पर सारी आपको क्लैरिटी आ जाएगी, तो वापस आ जाइए। चलिए देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था, ये चीजें चाहिए, फिर ये चीजें आपको कोई और नहीं देगा, ये आपकी खुद की मेहनत है, सपना, उसका डेली रूटीन होना चाहिए और लगे रहने की परसिवरेंस। फिर मैंने आपको मेथड बता दिया, फिर मैंने आपको बता दिया टारगेट सेट कर करके आगे बढ़ेंगे, और फाइनली मैंने आपको बता दिया कि रिविजन का तरीका क्या है। जो आपने टारगेट सेट किया उसमें पीछे वाले कुछ चैप्टर जिनमें आपको तकलीफ होती है वो वाले चैप्टर्स आपने ले लिए, ठीक है। अब पहले वाले इस पे आ जाते हैं। देखिए तो कौन कौन सी चीजें सिलेबस कंप्लीशन के लिए, कौन कौन सी चीजें रिवीजन के लिए, जरा ये समझा देता हूं, है ना, एक एक करके चलते हैं। तो ये वाली चीज सिलेबस कंप्लीशन के लिए, ये वाली चीज भी सिलेबस कंप्लीशन के लिए, और ये वाली चीज रिवीजन के लिए, ठीक है। ये वाली चीज इसमें एक एक करके चलते हैं। हाँ तो इसमें रेकमेंडेड, सॉरी इसमें जो रेकमेंडेड एमसीक्यूज है इनको आप सिलेबस कंप्लीशन के लिए यूज करिए, ये सिलेबस कंप्लीशन के लिए होंगे। बाकी जो है पास्ट ईयर पीवाईक्यूज, पास्ट ईयर एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यूज डाले हुए हैं हमने, एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यूज, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज को हमने एक्सरसाइज एंड सॉल्व एग्जांपल इसको हमने पीवाईक्यूज में कन्वर्ट कर दिया है, ये आप रिवीजन के लिए यूज करिए, ये दोनों चीजें आप रिवीजन के लिए यूज करिए, ठीक है, रिवीजन के लिए। और हम कुछ आपको अभी मिसलेनियस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे असर्शन रीजन हो गया, स्टेटमेंट टाइप हो गया, अभी आपको दिखने लगेंगे चार पांच दिन के अंदर। तो धीमे धीमे हम पॉपुलेट करना चालू कर देंगे, चाहे वो असर्शन रीजन हो, मैच मेकिंग हो, स्टेटमेंट टाइप हो, ग्राफ के क्वेश्चन हो, ये सारे हम यहाँ पे डालना इन सबको रिविजन के लिए यूज करिए, रिविजन के लिए, ठीक है। और सिलेबस कंप्लीशन के लिए रेकमेंडेड एमसीक्यूज को यूज करिए। टारगेट सेटिंग आपको समझ में आई गया, ये आपका सिलेबस कंप्लीशन एंड रिवीजन दोनों का पार्ट है, तैयारी यहीं से चालू होती है, बिना टारगेट के मत पढ़िए, आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा। टारगेट सेट करिए, टारगेट डिसिप्लिन दे देगा कि 96 चैप्टर की टेंशन नहीं करनी, दो हफ्ते में मेरा टारगेट है लेट से 5 चैप्टर खत्म करने का, मुझे बाकी 91 चैप्टर से मतलब नहीं है। मैंने आपको मास्टर क्लास इन बायोलॉजी बता दिया, इसको भी आप सिलेबस कंप्लीशन के लिए यूज करिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज, दो टाइप के टेस्ट है, जो टारगेट टेस्ट है मैंने आपको बताया उसे सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन के लिए करिए। कोई भी टेस्ट सीरीज वैसे रिवीजन के लिए होती है, तो जो दिसंबर से चालू होगा रिवीजन के लिए यूज होगा। डीपीपी जनरेटर रिवीजन के लिए यूज करिए, फ्रेश कार्ड रिवीजन के लिए यूज करिए, इसको भी रिवीजन की तरह यूज करिए। होपफुली आप लोग को समझ आ गया होगा, इस प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर चीजें इसी नजरिए से बनाई गई हैं कि सिलेबस कंप्लीशन भी जरूरी है साथ में रिवीजन भी जरूरी है। मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें बता दी, अब एक बार जाके मैं आपको धीमे धीमे ये सारी चीजें एक एक करके साइट पर बताना चालू करता हूं। चलिए साइट पे आ गए। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि आपने कोर्स ज्वाइन किया है, आप होम पे आएंगे तो सबसे पहले यह दिखाएगा आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, पिछले 5 हफ्ते में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, उसका ब्रेकअप क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बीच में। तो सबसे पहले ये दो चीजें दिखाई देंगी। आप नीचे आएंगे तो ये डैशबोर्ड है, आपने टारगेट सेट नहीं किया तो बोलेगा टारगेट सेट कर लो भाई, सेट टारगेट किया, ठीक है। चलिए तो हम 4 चैप्टर्स का टारगेट सेट कर लेते हैं या 5 चैप्टर का टारगेट सेट कर लेते हैं। लेट्स से आपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आपने कहा स्टडी करूंगा, आपने कहा जूलॉजी में बायोमोलिक्यूल स्टडी करूंगा, अच्छी बात है, आपने बॉटनी में कहा सेल यूनिट ऑफ लाइफ स्टडी करूंगा, अच्छी बात है, फिजिक्स में आपने कहा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टडी करूंगा, मैथमेटिकल टूल स्टडी करूंगा, तैयारी भी चालू की है। हमारा भी जो कॉन्कर बैच में इस समय पे
शेड्यूल चल रहा है कुछ इस तरह से। उसके बाद आपने नीचे नेक्स्ट का ब्लू बटन आ रहा है उस पर क्लिक किया और आप यहां पे थोड़ा सोच लीजिए कि दो हफ्ते में कितने घंटे पढ़ सकते हैं। मान लीजिए दिन के 10 घंटे पढ़ सकते हैं, ठीक है, 10 घंटे दिन में पढ़ सकते हैं, तो दो हफ्ते में 13 दिन मानिए, 14वें दिन टेस्ट देंगे, तो 13 दिन में 130 घंटे होते हैं। तो आपका ये जो सम आना चाहिए 130 घंटे के आसपास आना चाहिए। तो आपने कहा कि मैं 8 घंटे लेक्चर देखूंगा, 3 घंटे लेक्चर देखते हुए नोट्स लिए, 3 घंटे का एनसीईआरटी रीडिंग किया और 7 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। बहुत अच्छी बात है। बायो मॉलिक्यूल्स 10 घंटे 11 घंटे के लेक्चर देखूंगा, 3 घंटे एनसीईआरटी पढ़ूंगा और 6 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। सेल यूनिट ऑफ लाइफ 7 घंटे वीडियो देखते हुए नोट्स लूंगा, 3 घंटे का एनसीईआरटी रीडिंग करूंगा और 6 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बड़ा चैप्टर है, अच्छी तरह समझना है, बेस चैप्टर। 16 घंटे वीडियो देखते हुए नोट्स लूंगा, 3 घंटे एनसीईआरटी पढ़ूंगा, 7 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। वेरी गुड। मैथमेटिकल टूल्स अच्छी तरह समझना है, वेक्टर कैलकुलस प्रैक्टिस करनी है, नहीं समझ में आएगा बार बार करना पड़ेगा, चलो अच्छी बात है। 13 घंटे वीडियो देखते हुए नोट्स लूंगा, एनसीईआरटी पढ़नी है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन इन अ प्लेन दोनों में 2 घंटे वो पढ़ लूंगा और 6-7 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। काउंट कर लीजिए 38, 16, 54, 26, 80, 101 घंटा ही आया, कोई बात नहीं, दैट इज़ ओके। 130 घंटा नहीं आया, 101 आया, अच्छी बात है। 14 घंटे का आपने टारगेट रखा, 14 दिन का, और आपने पहला अपना टारगेट रखा स्कोर का कि मैं पहले टेस्ट के अंदर कम से कम 505 स्कोर करूंगा। आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, 27 अगस्त को आपको इन्हीं चैप्टर्स का टेस्ट मिल जाएगा। अब आपको 27 अगस्त तक क्या करना है, वीडियो देखते हुए नोट्स लेने, एनसीईआरटी पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इन्हीं 5 चैप्टर्स का, दैट इज व्हाट यू आर कमिटिंग योरसेल्फ टू। मैं आपको वापस बता देता हूं, इस वाली स्लाइड पे वापस आ जाते हैं, इस वाली स्लाइड पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया था, थ्योरी करनी है, आपने टारगेट सेट कर लिया, 5 चैप्टर का टारगेट सेट कर लिया, थ्योरी करनी है, थ्योरी में क्या करना है मैंने आपको बताया था, वीडियो देखते हुए नोट्स लेने, एनसीईआरटी रीडिंग करना है, या क्लासरूम कोचिंग में जा रहे हैं वहां पे टीचर पढ़ा रहे हैं, साथ में नोट्स लेने, एनसीईआरटी का रीडिंग करना है, इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर है तो 100 से 150 क्वेश्चन, बायो का चैप्टर है 100 से 150 से 200 क्वेश्चन, और उसके बाद 2 हफ्ते के एंड पे मॉक टेस्ट है ना। वापस आ जाए उसी जगह पे, वापस आ जाते हैं उसी जगह पे जहां पे हम थे। ठीक है, अब आप देखना चाहेंगे कि टेस्ट कैसा दिखाई देता है, तो मैं इसको डे जीरो करके दिखा देता हूं, हालांकि आपको 14वें दिन यहां पे एक टेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, देख लेते हैं जरा, है ना। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, मैं आपको टेस्ट जनरेट करके दिखाना चाहता हूं, है ना, और आपने लेट से इसे मैंने 0 डेज कर दिया और मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो ये इंस्टेंटली टेस्ट जनरेट करके दे देता है। आपके पास ऑप्शन है, चलो फुल टेस्ट दो नीट 2022 पैटर्न पे, तो बता देगा कि आपके पास 200 मिनट है, 200 क्वेश्चन है, क्रिएट टेस्ट कर दिया इन वाले चैप्टर्स के ऊपर, और फिर आपने टेक टेस्ट किया तो ये आपको एक जगह पे ले जाएगा जहां पे जाके आप एक्चुअली पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो यहां से वो वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है कि मैं टेस्ट नहीं दे सकता, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है, जो सिलेबस है, वो मेरे उससे मैच नहीं कर रहा। अरे भाई, खुद जनरेट करके दे सकते हो, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस टारगेट सेटिंग फीचर, कि आप जो पढ़े 2 हफ्ते में उससे रिलेटेड टेस्ट दे लो। मैं आपको वापस बता रहा हूं, काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे इस चीज पे बहुत ज्यादा रोना धोना होता है, सर पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। आपको कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक आप टेस्ट नहीं लिखेंगे, आपको कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक आप टेस्ट नहीं लिखेंगे। टेस्ट की जो प्रॉब्लम होती है, जो भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, हो सकता है टेस्ट सीरीज का सिलेबस कुछ और हो, आप किसी और सीक्वेंस में पढ़ रहे हो, वो वाली प्रॉब्लम हमने टारगेट सेटिंग के थ्रू फिक्स कर दी है। आप आराम से जो आपने डिसाइड किया टारगेट, जो आपने चैप्टर रखे, उसी का आपको 2 हफ्ते के एंड पे टेस्ट मिल जाएगा। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये आपके लिए फ्रेश टेस्ट जनरेट कर रहा है ना। तो लिखा हुआ है प्लीज बी पेशेंट एज द पीडीएफ जनरेशन मे टेक अप टू अ मिनट।
ठीक है, तो देखिए बॉटनी के सेक्शन वन के इसमें सेल यूनिट ऑफ लाइफ के सवाल दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद वाह कुछ माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह दिखाई दे रहा है, बढ़िया सा ओहो इमेजेस आ रही है ना। उसके बाद आपका जूलॉजी का बायो मॉलिक्यूल्स आ गया, इसमें ऐसी इमेजेस आपको दिखाई देंगी, है ना, सारी चीज़ें आ रही है, सही है। सेक्शन ए सेक्शन बी के फॉर्मेट में पूरा 200 क्वेश्चन का टेस्ट। यदि आप तीन सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी सेलेक्ट किया तो 150 क्वेश्चन आएंगे, आपने दो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए तो 100 क्वेश्चन मिलेंगे, एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो 85 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रेपरेशन। आपने टारगेट सेट किया, उस टारगेट के दायरे में जो चैप्टर आपने सेलेक्ट किए उन्हीं चैप्टर पे फोकस किया, उसका उसके एंड पे टेस्ट दे दिया। अब हो सकता है आपको इसमें पता चले आपको बायो मॉलिक्यूल में तकलीफ है, बट यू आर वेरी गुड इन मैथमेटिकल टूल्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सेल यूनिट ऑफ लाइफ वगैरह जो भी आपने चैप्टर लिए थे, तो अब आपको पता चल गया कि बायो मॉलिक्यूल पर ज्यादा मेहनत करनी है, मेहनत करने का टाइम हमेशा आपके पास होगा, थोड़ा बीच में टाइम मिला डीपीपी जनरेट लिया और बायोमॉलिक्यूल के या फिर रेकमेंडेड एमसीक्यू उसके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको जाके प्रैक्टिस कर लिया। चलिए वहां पे चलते हैं, एक एक करके मैं आपको सारी चीजें दिखाना चाहता हूं, तो चलते हैं। है ना, हम लोग neatprep.com पे आ गए, अब एक एक करके चलते हैं। आपको क्या करना है, मेन्यू पे आएंगे, मेन्यू पे कोर्स कंटेंट, क्वेश्चंस पे आएंगे। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एमसीक्यूज को कैसे यूज करना है। आपने कोई भी चैप्टर सेलेक्ट किया, ठीक है, लेट्स से फिजिक्स का चैप्टर सेलेक्ट किया, है ना, लेट्स से मोशन इन अ प्लेन सेलेक्ट किया, तो अब आपको यहां पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं, क्वेश्चन सेट सामने आ जाएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये वाला जो पोर्शन है ये सिलेबस कंप्लीशन के टाइम पे सिर्फ इस पे फोकस करो, ठीक है। यदि आप मेरे से पूछते हो कि सर इज दिस इनफ टू प्रिपेयर फॉर नीट, आंसर इज 100% इट इज इनफ। क्यों? क्योंकि 96 चैप्टर्स के हमने 15,000 प्लस रेकमेंडेड एमसीक्यूज हैं, इन्हीं की बुक्स अभी आपके पास थोड़े दिनों में अवेलेबल हो जाएंगी, है ना, होपफुली थोड़े दिनों में अवेलेबल हो जाए, दिस इज इनफ। ये जो सारी चीजें हैं ये रिवीजन के लिए अवेलेबल है, पिक एंड चूज करिए। यदि आपका चैप्टर बहुत अच्छा है उस पर ज्यादा टाइम मत लगाइए, चैप्टर अच्छा नहीं है तो सारी चीजें देखिए, एनसीआरटी बेस्ड रेकमेंडेड पीवाईक्यूज दिए हुए 1998 से 2022 तक, है ना। उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल को एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिया है, इसे कर लीजिए, एक्सरसाइजेस को एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिया है, और एचसी वर्मा सर के क्वेश्चन सब लोगों के लिए अवेलेबल हैं, इनके भी सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड कर दिए, तो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, एक और चैप्टर ऐसा करते हैं बायो का लेते हैं, और मैं आपको कुछ फीचर्स जो ये सारे क्वेश्चन बैंक वगैरह में है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रिमूव फिल्टर करिए, बायो के एक चैप्टर पे चलते हैं, है ना। तो बायो के चैप्टर पे गए, लेट से बॉटनी के चैप्टर पे गए और सेल यूनिट ऑफ लाइफ पे ही आए, सेल यूनिट ऑफ लाइफ पे आए। अब हमने कहा वही रेकमेंडेड एमसीक्यूज करने, ये सारी चीजें क्वेश्चन सेट में अवेलेबल है, रेकमेंडेड एमसीक्यूज करने नीचे है, इतने सारे सब टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन टू बॉटनी एक पोर्शन है, उसमें सेल में दिया हुआ है सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल स्टेनिंग एंड शेप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। आप नीचे आएंगे, कितने रेकमेंडेड एमसीक्यूज दिखा रहा है, 197 रेकमेंडेड एमसीक्यूज, परफेक्टली इनफ। आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट गलत हो गया, सही है ये आपको सबसे पहले पता चल गया, यहाँ पे करेक्ट परसेंटेज लिखा होता है, 83% स्टूडेंट जिन्होंने अटेम्प्ट किया था उन्होंने सही कर दिया था इस क्वेश्चन को। आपको व्यू एक्सप्लेनेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑडियो या वीडियो आपके पास अवेलेबल होगा, फिर शो मी इन एनसीईआरटी पे जाएंगे तो हाँ शो मी इन एनसीईआरटी पे जाएंगे तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको इस वाले क्वेश्चन का एग्जैक्ट एनसीईआरटी के अंदर रेफरेंस मिल जाएगा। शानदार, ये वाला सवाल यहीं से बनाया गया था, बहुत बढ़िया।
अब आगे चलते हैं। आपको क्वेश्चन बड़ा पसंद आया, आपने बुकमार्क कर लिया कि भाई ये मैं बाद में आके देखूंगा, तो आप तैयारी करते हुए रिवीजन का मसाला बनाते जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में कि ये पावर है कि क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, जो भी हमने चीज बना दी, हम तैयारी करते हैं बुक के अंदर मार्क कर लेते थे, पर वो मार्किंग से बुक बहुत गंदी हो जाती है, तो कुछ लोग मार्क नहीं करते, फिर बाद में स्ट्रगल करते हैं, अब इन सारे चैप्टर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूं या कुछ को करूं। ये सारी चीजें जब आप पहली बार प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो कवर होती जा रही है। ठीक है, ये मैंने अटेम्प्ट किया, मुझे पसंद आया, बुक मार्क कर लिया, ये मैंने अटेम्प्ट किया, ये भी गलत हो गया, चलो इसको भी बुक मार्क कर लिया, है ना। ओह फंडू इमेज, ये मैंने अटेम्प्ट किया, ये भी गलत हुआ, चलो पर मैंने इसको बुकमार्क नहीं किया, क्वेश्चन सिंपल था, ये मैंने अटेम्प्ट किया, हाँ इसका आंसर मैं सही दे सकता था, बॉटनी सेनस वॉलोचिस। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ओमिनस सेलुला वॉज प्रपोज बाय, मुझे नहीं पता, शायद थियोडोर श्वान, ये भी गलत हो गया, रुडोल्फ विर्चो, है ना। और इन सबके एनसीईआरटी रेफरेंसेस वगैरह यहाँ पे इस तरह से आते जाएंगे, पर ये बुकमार्क फीचर का फायदा ये है, अब आप बुकमार्क्स पे आए, आपने बुकमार्क क्लिक किया, है ना, तो आपको यहाँ पे ठीक है, तो आपको सिर्फ बुकमार्क क्वेश्चन दिखाई दे जाएंगे, आपको यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन बुकमार्क किए थे सिर्फ वाले क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे। तो इससे आपका रिवीजन का मटेरियल रेडी हो रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस वाली चीज़ से बड़ा बेनिफिट करते हैं कि पढ़ रहे हैं उस टाइम पे ये भी फिगर आउट हो रहा है कि रिवीजन के टाइम पे मेरे पास क्या अवेलेबल होगा। तो ये मैंने आपको दूसरी चीज़ बता दी। अब यहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें आप कर सकते हैं, रेकमेंडेड MCQs आपने नहीं किया, ठीक है, तो NCERT क्वेश्चंस और ये सारी चीज़ें आप थोड़ा खेलेंगे तो यहाँ पे समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ चलते हैं, विच इज़ मैंने आपको टारगेट सेटिंग बता दिया, मैंने MCQs बता दिया, मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताना चाहता हूँ कि DPP कैसे जनरेट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है चैप्टर DPPs का, मेन्यू कोर्स कॉन्टेंट नीचे जाएंगे, चैप्टर DPPs का ऑप्शन आता है ना। तो अब आपको लगा कि यार प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन में मेरी तकलीफ है, तो स्पेसिफिक टॉपिक पे जाके क्रिएट DPP का ऑप्शन है, स्पेसिफिक टॉपिक पे जाके मुझे प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन बड़ा परेशान कर रहा है। अच्छा, सेल यूनिट ऑफ लाइफ पे गया, ये जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन, आप मल्टीपल DPP सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन और सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपने कर लिया, आपने क्रिएट DPP किया, 30 क्वेश्चन हम देते हैं। आइडिया DPP का ये नहीं है कि, और बाय द वे क्योंकि NCERT के दायरे में रह रहे हैं तो क्वेश्चंस अनलिमिटेड नहीं हो सकते, है ना। तो DPP जनरेट हो गया, 30 क्वेश्चन के प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, हैप्पी बर्थडे, अब आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है कि सारी चीज़ों के, ये देखिए है ना, टारगेट DPP टेस्ट आ गया, सारे प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड 30 क्वेश्चन आपको मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट चीज चलते हैं, व्हाट आर फ्लैश कार्ड्स, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्लैश कार्ड्स क्या है, ठीक है, तो वहीं पे चलते हैं, मेन्यू बटर पनीर, कढ़ाई पनीर, है ना, ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो अब नेक्स्ट चीज़ आएगा फ्लैश कार्ड्स, रिवीजन के लिए यूज़ करना है, खासकर बायो के अंदर, हालांकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल है। तो चलो अपने सेल यूनिट ऑफ लाइफ ही चैप्टर पे चलते हैं, है ना, सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पे गए और उसके बाद सिंपल चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन है, MCQ नहीं है, आपने सोचा क्या है, फिर आपने शो आंसर देखा, अच्छा सेल, ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया, थोड़े ना अच्छे कॉम्प्लिकेटेड फंकी सी चीज़ें देखते हैं। तो थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं, 250 पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, इस तरह से आप रिवाइज कर रहे हो, आप सोच लोगे फिर शो आंसर करोगे, तो बहुत क्विक रिवीजन कर सकते हैं आप, एक चैप्टर को करीब आधा घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। और ये लाइन बाय लाइन NCERT को हमने इस फॉर्मेट में फ्लैश कार्ड्स में कन्वर्ट कर दिया है ना। तो फिर आप नेक्स्ट पे, फिर आपने शो आंसर किया, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आ गया, फिर आप नेक्स्ट पे शो आंसर किया, और आपको कोई फ्लैश कार्ड बहुत अच्छा लगता है तो ऑफ कोर्स आपको बुकमार्क करना चाहिए, बुकमार्क का ऑप्शन ये रहा, है ना, चलो ये अच्छा लगा, ये मुझे आता नहीं था, मैंने बुकमार्क कर लिया। जब आप बाद में वापस आएंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ते समय, ये क्या है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है,
चलिए आगे चाहे हैविंग टर्मिनल सेंट्रोमियर आर कॉल्ड शो आंसर टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम ये आता है। अच्छा तो इस तरह से आपके है ना सारी चीज़ बनती जाएगी, ये आपको रेफरेंस मिलता जाएगा कहाँ पे एनसीईआरटी से लिया हुआ है आप चेक करते जाएंगे। तो दिस इज फैंटास्टिक, दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फॉर रिविजन पर्पजेस। ठीक है तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं विच इज मैंने आपको कहा था लंबा वीडियो है पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, मुझे लगता है कि इस वाले कोर्स से आपको आज़ादी मिल सकती है। आज़ादी किस चीज़ से चाहिए, जहाँ पे आप अटक गए हैं, आपको डॉक्टर बनना है, नीट को क्लियर करना है, लोगों को प्रूव करना है कि आप कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट चीज़ पे आ गए हम एनसीईआरटी ई बुक्स, मैंने आपको ई बुक्स के बारे में बताया था है ना। तो एनसीईआरटी ई बुक्स में मैंने आपसे कहा था फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अवेलेबल है, हालांकि बायो की भी ई बुक अवेलेबल है पर उसमें ऑडियो सपोर्ट नहीं है, ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसा लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री पे हमने काफ़ी मेहनत की क्योंकि हम चाहते हैं कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को इग्नोर मत करिए। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर आपने सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से ऑडियो नोट्स मिलते जाएंगे, जैसे देखिए ये रहेगा। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की। ठीक है तो यहाँ पे आपको मिलता जाएगा। तो वापस आ जाते हैं गाइस, मैंने आपको क्या बताया था एक बार समराइज कर लेंगे अच्छी तरह समझ के। देखिए करंट पेज, ठीक है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। मैंने आपको बताया था पीछे वीडियो में जाके देख लीजिए कौन सी चीज़ें सिलेबस कंप्लीशन के लिए यूज़ करनी है, कौन सी चीज़ें रिवीजन के लिए यूज़ करनी है। मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी है जिसको मैं क्विकली कवर कर लेता हूँ, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी को आपको कैसे यूज़ करना है, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी को आपको कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं एक बार, तो आप neatprep.com पे आए, ठीक है और neatprep.com पे आने के बाद आपने कोर्सेज में आए, यदि आपने मास्टर क्लास ज्वाइन किया हुआ है बायो मास्टर क्लास पे आए, करेक्ट। अब इसमें क्या होगा तो यहां पे आप मास्टर क्लास इन बायोलॉजी पे आए और उसके बाद देखिए यहां पे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। मास्टर क्लास इन बायोलॉजी एक ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक है, इसकी अभी बुक भी आएगी, डॉक्टर शर्मा ने क्रिएट किया है, आप जानते हैं डॉक्टर एनके शर्मा को, ठीक है। इसमें बेसिकली लेट से एक चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है लेट से आपने सेलेक्ट किया एनिमल किंगडम सेलेक्ट किया, ठीक है। अब आपके पास तीन ऑप्शन है, अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी क्वेश्चन, मास्टरिंग एनसीईआरटी क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन। आपको सिलेबस कंप्लीशन के टाइम पे अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी क्वेश्चन करना है, आपको सिलेबस कंप्लीशन के टाइम पे अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी क्वेश्चन करने है। इसको रिवीजन के लिए छोड़ दीजिए, जैसा मैंने आपको वैसे ही बताया था पास्ट ईयर क्वेश्चन को रिवीजन, और ये आपका सब कुछ खत्म हो गया, आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करना है। दीज आर लार्जली बिल्ट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी, बिल्ट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी है ना, पर ये डायरेक्ट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। आप ऐसे सोच लीजिए कि ये ऑलमोस्ट डायरेक्ट है एनसीईआरटी से, ये उतने डायरेक्ट नहीं है, थोड़े इनडायरेक्ट है, ये थोड़ा केवीपीवाई और ओलंपियाड के हिसाब से भी यूजफुल है, ठीक है ये केवीपीवाई और ओलंपियाड के हिसाब से भी यूजफुल है। तो इसके अंदर क्या करेंगे जरा देख लेते हैं, बाकी चीज़ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन देखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बर्ड्स, आपने अटेम्प्ट किया, उसके बाद डॉक्टर शर्मा का यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इन हायर वर्टिब्रेट्स रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इज 12 पेयर्स, फिशेस और एम्फीबियंस में ये 10 पेयर्स होती है, ह्यूमंस में कई बार एक सी एन जीरो एक क्रेनियल नर्व जीरो भी रिकॉग्नाइज की जाती है पर वो फंक्शनल है कि वेस्टिजियल इट इज नॉट एब्सोल्युटली क्लियर। तो हम ह्यूमंस में भी क्या कहते हैं 12 पेयर्स है, सो बर्ड्स मैमल्स
और रेप्टाइल्स दे हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ओके, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अटेम्प्ट किया, सही हो गया। व्यू एक्सप्लेनेशन क्लिक किया। एम्नियोट्स इज अ क्लेड दैट इंक्लूड्स रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स। That means इनमें क्या होता है, the egg is surrounded by a membrane which is called as amnion, or the developing embryo is surrounded by a membrane which is called as amnion. और ये amnion embryo को desiccation से बचाता है। यही वो वजह है कि reptiles land पर काफी ज्यादा successful थे, हालांकि amphibians जो land पर आए तो पर land पर बहुत ज्यादा successful नहीं हो पाए। ये वो primary reason है। तो amniotes में कौन कौन आ गया? Birds, reptiles और mammals। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अब वापस चल चलते हैं उस वाली हमारी स्लाइड के ऊपर जहां से हमने स्टार्ट किया था। होपफुली आपको इस टाइम पे हमारा ये नजरिया समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीजें बनाने का पर्पस क्या है। एक चीज सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर फोकस करती है और काफी सारी चीजें रिविजन के ऊपर फोकस करती है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस बड़ा है, एक बार आपने पढ़ लिया अच्छी तरह रिवाइज नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इट इज नॉट अ गुड इनफ एक्सक्यूज कि आपने आके बोला मुझे आता तो सब कुछ था पर एग्जाम के दिन भूल गया, ऐसा नहीं है। यदि आप पेरेंट हैं तो आपको समझ में आ गया होगा हम किस नजरिए से स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस माइट बी अ गुड एक्सरसाइज इन अंडरस्टैंडिंग कि किस चीज पे फोकस करना है, किस चीज को रहने देना है। मैंने आपको बता दिया हमारे पास क्या अवेलेबल है। मैंने आपको यह भी बताया कि पढ़ने के लिए 1, 2, 3, 4 और पांचवी चीज रिविजन है ना। ये चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, मैंने आपको बता दिया आप प्लेटफॉर्म पे इन सारी चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं। अभी भी आपका कोई सवाल है, इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन आप मुझे इस वाले नंबर पे 9667591930 पर कॉल कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर, या मैं हमारे किसी काउंसलर से कनेक्ट कर दूंगा जो आपको डिटेल में बता देंगे। बट होपफुली ये वीडियो लंबा था पर इसका पर्पस ये था कि मैं आपको समझाना चाहता था कि सारी चीजों को कैसे यूज करना है, अपनी पढ़ाई को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। थोड़ा इररिलेवेंट है ये बात कि आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया है किसी और का कोर्स ज्वाइन किया है। लार्जली पढ़ने का जो मेथड है मुझे ऐसा लगता है वो तो यही होगा। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ये मेरा नंबर है, कोई भी आपका क्वेश्चन है आप मुझे इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स एंड ऑल राइट पेरेंट्स।